गुना के कॉलोनी माफियाओं के खिलाफ गुना प्रशासन हुआ सख्त। शिकायत निवारण शिविर में पहुंची अवैध कब्जे को लेकर सैकड़ों शिकायत। आवेदकों ने गुना एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर बताई आप बीती। कई बड़े बड़े कॉलोनाइजरों के नाम शिकायती आवेदनों में आए सामने। प्रस्तुत है गुना से राहुल चौरसिया की एक रिपोर्ट। जी हां, अवैध भूमाफियाओं के खिलाफ गुना प्रशासन शिकंजा कसने जा रहा है। आज गुना एसडीएम कार्यालय में आयोजित शिकायत निवारण शिविर में एसडीएम कुमारी अंकिता जैन और तहसीलदार की मौजूदगी में जन समस्याओं को सुना गया, जिसमें काफी तादाद में महिला और पुरुष पहुंचे, जिन्होंने अपने आवेदन एसडीएम महोदय के समक्ष दिए। मिली जानकारी के अनुसार कई बड़े बड़े कॉलोनाइजरों के नाम शिकायती आवेदनों में सामने आए हैं। कॉलोनाइजरों का कारनामा एक प्लॉट की रजिस्ट्री तीन तीन व्यक्तियों के नाम से कर मोटी कमाई कर गरीब नागरिकों का हक मारा है। इसी क्रम में लगभग 500 से अधिक शिकायती आवेदन आज एसडीएम कार्यालय में आए। अब देखना होगा प्रशासन किस प्रकार से गरीबों को उनके प्लॉट दिलाकर न्याय दिलाता है। गुना से राहुल चौरसिया की एक रिपोर्ट। आपका सुरेश बोल रहा हूँ। कहाँ रहते हैं आप? नैना रहते हैं। यहाँ गुना में आपका प्लॉट है? हाँ, गुना में दो प्लॉट हैं। कौन सी कॉलोनी में? गोल्ड प्रॉपर्टी से लिए थे हमने। कितने साल पहले? 26 साल पहले, 1994। कहाँ पे लिए थे ये प्लॉट? ये प्लॉट है ना, ड्राई स्कीम के तहत है ना, किस्तों में आए थे। तो आपका इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ था उस समय पे? उस समय हमारे 9,000 रुपये 15x40 का प्लॉट। कितने स्क्वायर फीट का प्लॉट थे? 15x40। तो आपको अभी तक नहीं मिले हैं वो प्लॉट? अभी नहीं मिले। तो आपने इसकी शिकायत नहीं करी अभी? शिकायत अभी हमारे ना म्याना के 49 प्लॉट थे, तो उसमें सब लोगों ने किसी ने कोर्ट में केस लगा रखा, तो अभी तक इतना लंबित पड़े हैं, अभी कोई निराकरण नहीं हुआ। तो आज जब आप एसडीएम मैडम को ये अपना आवेदन देने आए, तब आपको यहाँ से क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने बोला का आवेदन ले लिए, उन्होंने बोला कि देखेंगे निराकरण करेंगे। आप संतुष्ट हैं? हाँ, अभी तो। कितने पैसे के लिए थे? कौन से लिए थे? राठौर से। तो उसके बाद में अभी तक आपको प्लॉट नहीं मिले? नहीं मिले। आपने इसकी शिकायत की? नहीं की, मतलब अबे हमें मालूम चली सुबह आया। जिनसे प्लॉट लिए तो उनसे भी नहीं की इसकी शिकायत? बहुत करीब से। क्या कही उन्होंने? सुनते ही नहीं है ना, भीतर से कह देते नहीं है। तो अभी आप एसडीओ मैडम को जब आवेदन देने आए थे, तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला है आपको? कहाँ से? यहाँ से कुछ नहीं बोला।